चलो थ्री इनपुट एक्स और गेट, इसके बारे में विचार करेंगे। थ्री इनपुट मतलब क्या होगा इसमें, इस तरीके से ये थ्री इनपुट होंगे एक्स वाई जेड इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे थ्री इनपुट, ठीक है जी। चलो देखो अब इसको कैसे बनाते हैं, थ्री इनपुट एक्स और गेट। जैसे ये ए है, बी है, सी है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, कैसा पिक बताओ, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, ऐसा होगा ना जी, ठीक है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इस पर बेस्ड देखो, जैसे कि तुमको ये बनाना है थ्री इनपुट, तो क्या लगेगा इसके लिए, टू इनपुट से बनाना है तो कैसे बनाओगे। सो ये टू इनपुट है हमारे पास एक्स और गेट, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जैसे ए और बी है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा जी बताओ, इसका आउटपुट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ए एक्सक्लूसिव आर बी, ठीक है ना। हाँ, इसका आउटपुट को किसको देंगे हम लोग, तीसरे को, देखो ए एक्सक्लूसिव और बी, यहाँ तक तो सबको क्लियर है, दो वाला बता दिया हूँ। अब यहाँ पर एक तीसरा इनपुट सी, इसको ले लिए, ठीक है जी, तीसरा इनपुट सी। अब इन दोनों को एक और एक्स और गेट से गुजार देंगे, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा तीन इनपुट वाला, समझ पाए। तो इसमें क्या क्या चीज हमको याद रखना है, चलो देखते हैं। जैसे कि इसका ट्रूथ टेबल थ्री इनपुट वाले का, ठीक है ना, जैसे कल क्वेश्चन कर रहे थे, याद है कल का क्वेश्चन, गेट वाला बताया था, प्रैक्टिस सेट भेजा भी था, बनाया उसको एक बार कैसे जी, सात्विक बनाया, तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बताना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समय थोड़ा वेस्ट हो रहा है ना, अगर मैं लिखा हुआ तुमको बताऊँ तो दिक्कत तो नहीं किसी को, बताओ जी। हाँ, क्योंकि लिखने से देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है मैं बता दूंगा, है ना, टाइम बच जाएगा, तो कल से वैसे ही करूँगा, ठीक है, तो टाइम बचेगा आप ही लोग के लिए, मेरे को तकलीफ नहीं है, है ना, आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ। ए बी सी, तो जीरो 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 जीरो, वन 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 वन, जीरो जीरो वन वन, देखो ये टेबल को बना रहा हूँ मैं, ये जो बना बनाया रहेगा तो डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, आप ही लोग के लिए जल्दी बनेगा, है ना जी, ठीक है। चलो अब देखो जीरो जीरो क्या होता था एक्सक्लूसिव और करने से, बताओ जी, जीरो 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 फिर जीरो, तो कितना आएगा, जीरो आएगा, आएगा जीरो, सेकंड वाले बताओ क्या आएगा, कैसे जी प्रियंका जी, वन, नेक्स्ट के लिए
जीरो एक्सक्लूसिव आर। हाँ एक्सक्लूसिव आर है ना जी, जीरो इन एक्सक्लूसिव आर वन। हाँ वेरी गुड, ये वन को थोड़ा सा ऐसा बनाना, चलो ये वन। अब इसका बताओ, ऐसे ही सच्ची ना। वेरी गुड, इसका फिर वन, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका वन। तो क्या समझे कि जब ऑड नंबर ऑफ वन होंगे तभी आउटपुट वन आएगा, समझ पाए? तो इसका ट्रिक देखो, कल आप लोग से क्वेश्चन नहीं बना था क्योंकि एक कंसेप्ट नहीं बताया था, है ना जी। तो एक्स और, तो इधर देखना, ओ से ऑड में वन आएगा, ये ट्रिक बनाया था मैं, इसलिए मेरे को याद रखा है। ठीक है क्लियर? ओ से ऑड वन तो एक आएगा, ठीक है जी, सबको क्लियर रहेगा। इसी तरीके से इसका उल्टा किसमें आएगा, किसमें आएगा जी बताओ, इसका उल्टा। इसका जस्ट उल्टा क्या बनेगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। आप समझ गए सब लोग? जस्ट उल्टा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इवन नंबर ऑफ वन रहेंगे तो क्या मिलेगा जी आउटपुट, ए इसको ऐसे डॉट के बाद गोला, बी के बाद डॉट के बाद गोला, बताया था ना ये सब, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉट। तो कितना जाएगा इसका, जीरो का वन है ना, इसका जीरो, जस्ट उल्टा, इवन में वन ऑड में जीरो, क्लियर रहेगा? ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको, क्लियर है? ठीक, अब ध्यान देना है कुछ चीज़ों को। देखो बेसिक को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोग को बनाना रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है? जैसे कि देखो प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉप, देखो ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका बराबर क्या होगा। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन आपके जेई लेवल के एग्जाम में आता, बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसा दे देगा। चलो क्या होगा जी बताओ, इसके बराबर ट्राई करो सब लोग। वेरी गुड, समझ गए, ये सब पढ़ाया था याद है? कैसे दीपक, तुम लोग को डिजिटल पढ़ाया था? चलो बढ़िया, बस रिवाइज मानना है सबको। प्रियंका जी समझ में आ रहा है क्या आएगा इसका?
देखो जैसे कि इसका आउटपुट क्या होता है, नॉर्मल रहता है तो जैसे ए और बी है तो आउटपुट क्या रहता है इसका, ए बी का बार प्लस बी ए का बार। अब देखो इस बबल का मतलब क्या है जानते हो ना, ये कौन सा गेट है, इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है ना, हाँ, इसका मतलब क्या है, ए का बार जा रहा है, बी का बार प्लस बी ए बार का बार, तो क्या मिल रहा है, ए बी प्लस ए बार बी बार, तो कौन सा गेट है जी, एक्स नॉर, वेरी गुड, ये इसके बराबर ये लिख सकता हूँ मैं, समझ पाए, उस तरीके से इसका बताइए क्या आएगा, दोनों इन्वर्टर लगा दे दो, हाँ बाकी लोग सात्विक बताओ जी, सेकंड वाला क्या होगा, वेरी गुड। अब देखो बार का बार फिर वही चल जाएगा, समझ पाए ना, इसको डायरेक्ट में लिख दूँ, समझाने की जरूरत है किसी को, सेम आएगा ना जी, एक्सक्लूसिव और, तो एक्स और ही रहेगा, तो बबल्ड बोथ बबल है तो एक्स और ही रहेगा, तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आपके जेई एग्जाम में, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ये छोटे छोटे लेवल, देखे हो पिछले बार नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा पूछा था, ज़्यादा हाई लेवल के पढ़ने की जरूरत नहीं इस टाइप का। चलो नेक्स्ट क्या आएगा इसका, कौन बताएगा, वेरी गुड, एक सौ आया पायल, निशा कहाँ है, निशा क्यों नहीं बोली पढ़ने के लिए, तो ऑनलाइन तो पढ़ना है, कौन सा एक्ट पढ़ना है, ऑनलाइन तो पढ़ सका थे, कौन जगह बैठ के पढ़, चलो तुम्हारा मैंने, चलो इसका क्या आ जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट ही रहेगा, रहेगा ना जी, चलो इतना समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ए एक्सक्लूसिव और बी है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बी का बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए, तो इसका उल्टा भी सेम है, मतलब ए एक्सक्लूसिव नॉर बी क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्सक्लूसिव और बी का मॉड, मॉड है ना बार, क्लियर हुआ, चलो अब ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, ए बी सी फॉर्म में, ये नहीं बता पाया था क्या इसका एक्सप्रेशन, चलो देखो एक बार देख लेते हैं, अभी तुम लोग ये बताओ कहाँ कहाँ वन है, देखो ऑड नंबर ऑफ, तो ए का बार बी का बार सी में वन है, देखो समझ पाए कैसे जी, समझ पाए कि नहीं, वैसे जहाँ जहाँ वन है उसको बस लिखना है तुमको, तो कहाँ पर वन होगा, नेक्स्ट टू में है, मतलब जीरो को बार लिखते हैं और वन को सेम सी बार, चलो नेक्स्ट बताओ आगे, आगे बताओ,
ए, बी का बार, बी का बार, सी का बार। नेक्स्ट देखो ना, इधर दिखा कि नहीं? प्रियंका जी समझ में आ रहा है? हाँ, क्या थर्ड का? तो मैं कहाँ लिखा हूँ इसको? इसको तो लिखा हूँ जी, इसको बोल रहे हो क्या? थर्ड ये तो है ना, कैसे कैसे देख रहे हो? तो जीरो थोड़ी लिखेंगे, वन को लिखेंगे बस। जी हाँ, ए बी सी जेवल वन है ना, उसको बस लिखना है। देखो जीरो को ए का बार और वन रहेगा तो ए, इसको बोलते हैं मीन टर्म। क्या बोलते हैं जिसको? मीन टर्म। तो मीन टर्म में कौन कौन आ रहा है? वन, उसको ऐसे लिखते हैं, याद आ रहा है? के मैप पाई करके लिखते हैं मीन टर्म, समेशन करके मीन टर्म लिखते हैं। तो क्या कौन कौन सा टर्म आएगा? वन, टू और फोर और सेवन, ठीक है ना? वन टू फोर सेवन लिखा हूँ यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। यहाँ देखो वन दिख रहा है, ये वन दिख रहा है, इसके जस्ट सामने जाओ, जीरो दिख रहा है, जीरो को लिखते हैं ए का बार, ठीक है? समझ पाए? फिर जीरो है, बी का बार, फिर सी है वन, ठीक है? सी वन रहेगा तो सी, समझ में आ रहा है सबको? फिर वन है, देखो ए का बार, फिर बी, फिर सी का बार, ठीक है? अब क्लियर दीपक? हाँ ठीक, वन वाले को लेना है। तो वन जीरो जीरो, ए बी बार सी बार, आया समझ में? अब प्रियंका जी समझ में आया? ए बी सी क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं मीन टर्म। अभी के में पाएगा है ना, उसमें पढ़ेंगे। और अब इसमें, इसमें क्या लिखोगे चलो बताओ? एक्स नॉर्म में तो कौन कौन सा टर्म आएगा? जीरो, जीरो आएगा, और कौन सा दिख रहा है? तीन, फोर, फोर कहाँ सा गया? फाइव होगा ना, फाइव सिक्स। देखो इसमें जो आएगा वन टू फोर सेवन, वो नहीं आएगा इसमें। इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, याद है? या मीन टर्म ही बोल सकते हो। तो सब चलो लिख के बताओ, एक्सप्रेशन बोलते जाओ। चलो जल्दी एक्सप्रेशन बोलो। ए ए बार, मिल जाएगा, ठीक है? अब समझ पा रहे हो? ए बी बा, समझ रहे हो? मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज है, तुम लोग को पढ़ाना, वापस ट्रैक में लाना। सब भूल गए हो ना? ठीक है, याद है? अब याद आया सबको? चलो ठीक, तो ए बी सी समझ गया, हो गया। अब जब भी एक्सक्लूसिव ऑर रहेगा तो ऑड नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस याद रखना, और ए एक्सक्लूसिव नॉर, बी एक्सक्लूसिव नॉर, सी इवन नंबर ऑफ वन, याद रहेगा? ट्रिक है ये, ठीक है? अब क्लियर रहेगा? चलो नेक्स्ट।
अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। मैं वन लाइन में क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी बराबर क्या होगा, कौन बताएगा? किता जी? देखो ध्यान से, पहले इस ये पूरा को x मान लो, चलो x एक्सक्लूसिव और c, क्या फार्मूला होता है? x c का बार प्लस c x का बार, ये होता है, ये होता है ना जी। अब x जगह a एक्सक्लूसिव और b, a एक्सक्लूसिव और b इंटू सी का बार प्लस सी और ए एक्सक्लूसिव और बी का बार, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको ए बी बार प्लस क्या लिख सकता हूँ, बी ए का बार लिख सकता हूँ, सी का बार प्लस, सिखा रहा हूँ सीखो सब, इसको ए बार का बार बी बार ऐसे लिख सकता हूँ प्लस ए बी, समझ गए होगे? इसके बाद ए क्यों आया, समझ गए ना? अब ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, हाँ ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी, आया समझ में? ये देखो क्या चीज़ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? हाँ आप समझ में आ रहा है, सबको याद आ गया, ये कितना लिखा हुआ है? टू। ये कितना लिखा हुआ है? वन। ये क्या लिखा हुआ है? सेवन। तो ऑड नंबर ऑफ वंस होता है, क्या होता है वो? एक्सक्लूसिव ऑड। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। तो आपके एग्जाम में ये सब आपको नहीं करना है, ये सब सीखने के लिए था। अब डायरेक्ट इसके बराबर पूछेगा ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, इसको टिक किया आगे बढ़े। अब समझ में आया सबको करना क्या एग्जाम में, ठीक समझ में आया सबको? चलिए अगर ये क्लियर है, चलो अभी कॉपी पेन उठाओ, इसको बनाओ, छाप मत देवे, पुराना कॉपी में तो छाप देवे, हाँ भारी मार पड़ी, हाँ नहीं पर समझा था फिर मार ला। चलो तो बस इसी कमी है ऑनलाइन में, बाकी सब तो ठीक है। चलो बनाओ कॉपी पेन उठा बनाओ, बराबर में जैसे मैंने क्या बताया था, फाइनल कंक्लूजन इसका ये बताया था ना, ऐसे ही बताइए,
क्या आएगा? कितना है पायल? चलो देखो बाकी लोग इसको फिर एक्स मान लो, ऐसे बनाए हो सी एक्स, क्या होता है इसका एक्स सी प्लस एक्स बार सी बार, ठीक है प्रियंका जी, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। तो ए, अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी प्लस ए बार बी बार इंटू सी प्लस एक्स का बार, मतलब ए बी का बार प्लस ए का बार, सात्विक समझ में आ रहा है? पूरा करो अंदर, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, सेवन हाँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ बाहर करके, वन और ये कितना है टू, ये कितना है सॉरी ये फोर है और ये टू है, ठीक है ना, सेवन वन फोर टू। प्रीवियस देखो क्या है, सेवन वन फोर टू है ना, प्रीवियस भी सेम है, हाँ तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्सक्लूसिव आर बी प्लस एक्सक्लूसिव आर सी, इसके बराबर डायरेक्ट लोग ऐसे टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ये गलत है, ये भी होगा, समझ में आया सबको, ये गलत है ऊपर वाला, ठीक। अबे मैं उसको डायरेक्ट लिख दूँ, बोल रहा हूँ इसका बार करने से ये आता है ना, पिछले सिखाया हूँ पिछले बार में, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तुम लोग ऐसे बार का बार लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, वही जाएगा। अब आया समझ में? तुमको क्या करना है, डायरेक्ट इसको याद रखो, इसके बाद ये आएगा, बस काम खत्म, इसको याद रखना है, ये राम कहानी से मतलब नहीं, ये सिखा रहा हूँ बस, तुमको रिजल्ट को याद रखते जाना है, ठीक है, आया समझ में? अब याद रहेगा, जैसे एक बार पढ़ लिया तो याद रहेगा ना कि नहीं रहेगा? रखना पड़ेगा, जवाब लगाना है तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं वही सोचता हूँ कौन सा जमाना में पढ़ के पास हो गए हैं, अभी देखता हूँ तो बाप रही। चलो डर के मारे नहीं याद रही तुम्हारा, फिर अत्यगन पढ़ी गई है, पढ़ेल पढ़ी गई है, ओके पढ़ाते रहें एक्सक्लूसिव आर बी। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, एक्सक्लूसिव आर ए, ये आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बराबर क्या ए एक्सक्लूसिव आर बी, एक्सक्लूसिव आर बी इज इक्वल टू व्हाट? चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, छोटा छोटा ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, गेट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी, गेट के एग्जाम में बड़ा लेवल का रहता है, छोटे एग्जाम में इस तरीके से ट्राई करेंगे सभी लोग।
बाकी लोग बताएं। ऑप्शन दो। ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी ए का बार, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी नन। वेरी गुड, बी आंसर आएगा। ठीक, इस तरीके से देखो कैसे आएगा। बाकी लोग आप इसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए ठीक, ऑप्शन में मिटा देता हूँ। ठीक चलो बनाओ। देखो बाकी लोग इसको एक्स मानेंगे, इसको एक्सक्लूसिव आर ए, ठीक है ना जी। देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स का बार इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए का बार, ठीक है साथियों, ऐसे होगा। एक्स का बार मतलब इसका बार, तो डायरेक्ट याद रखना इसको, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, प्लस एक्स, एक्स का मान कितना है ए बी, एक्सक्लूसिव आर ए बी का बार प्लस ए बी ए बार बी, इसको गुणा कैसे करेंगे, ए का बार से, चलो इंटू ए, ए का गुणा करो, ए जीरो हो जाएगा, ए इंटू ए बार क्या बचेगा, ए बी बचेगा, प्लस इसमें ए का बार इंटू ए खत्म, तो ए का बार बी, तो सबसे कॉमन क्या निकला B, तो A इंटू ए प्लस ए का बार, तो क्या बचेगा B, इसका मान वन होता है, ठीक है ना। अब आया समझ में सबको। इस तरीके से समझ पाए। चलो इस तरीके से सेकंड बना लोगे, अब समझ गया होगे इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, समझ पा गए ना। बी गायब हो गया, अब याद रखना तरीका, ए रहेगा ए गायब, बी आंसर आएगा, बी बी रहेगा तो बी गायब ए आंसर आएगा, समझ पाए, ये ट्रिक है। अब समझ में आ गया, वो समझ में आया, एक पूरा बताया और ट्रिक बताया। अब आओ क्लास में अटेंड कर, रोज सुबह ले, पुराना क्लास कहाँ अटेंड कर रहे भाई, पुराना क्लास याद कर। ये ए एक्सक्लूसिव आर बी, मतलब ए बी का बार प्लस ए का बार बी, तुम डिप्लोमा पढ़ डाले क्या, फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गया कैसे जी, ऐसे पास हो गया ना, ऑनलाइन ए का बार बी का बार प्लस ए बी, ठीक, जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखोगे, ये बराबर होता है किसके, ए एक्सक्लूसिव और बी का बार के, ठीक है ना, ऐसा समझ में। एक बहुत जोक वाला बात है, इतना सब पढ़ रहे हो किस लिए, खेते खेत दौड़ने के लिए, ठीक है भाई, नीलेश है ना, जेई बन जावे क्या कर बे, खंभा चौड़ लाइन बना, ठीक, तो इतना सब पढ़े पढ़ते रहे, क्लियर हो गया, ठीक यहाँ तक आगे बढ़े। चलो अगर ये क्लियर है
तो ये क्वेश्चन बनाएंगे। कितना टाइम हो गया? चलो आज के लिए इतने रखें, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बनाएंगे। ए एक्सक्लूसिव आर, नहीं सॉरी नॉर, बी एक्सक्लूसिव नॉर, ए कोई बताएगा तुरंत अगर कंसेप्ट समझ गया होगा तो। क्या है ये? चलिए बनाएंगे, नहीं समझ पाए अभी, ठीक है बनाएंगे इसको और इसको बनाएंगे। ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव नॉट ए, ये अलग चीज़ है। ए एक्सक्लूसिव नॉर बी एक्सक्लूसिव नॉर बी। चलो ये क्वेश्चन आएंगे, चार क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। एक दो तीन चार, ये होमवर्क है। 5 मिनट बाद आपकी कक्षाएं चालू होंगी 8:20 से, सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है जी। 5 मिनट का ब्रेक, लिंक यही है, जाएंगे नहीं है ना, लिंक यही रहेगा। चलो ठीक है।